Hello everyone, my name is Pinky Kulshrest. I am from Government RC Khaitan Polytechnic College, Jaipur. आज हम इंडस्ट्रियल ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे. इंडस्ट्रियल ड्राइव्स जो मोटर हमारे जो इंडस्ट्रीज में जो ड्राइव्स होती हैं, जो डिफरेंट मशीन्स होती हैं उनको चलाने के लिए काम में ली जाती हैं. इसके जो मेन जो कंटेंट्स हैं वो हम कवर करेंगे, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव. ये जो क्लासिफिकेशन में ग्रुप ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव, एसी ड्राइव्स एंड डीसी ड्राइव्स, और फिर इसके बाद एसी और डीसी ड्राइव का कंपैरिजन, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव और एप्लीकेशन. ज़्यादातर अपने जो सिलेबस में है वो है ग्रुप ड्राइव और इंडिविजुअल ड्राइव का कंपैरिजन और मल्टी ड्राइव इनका कंपैरिजन है, और एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव का कंपैरिजन इसमें, और डिफरेंट एप्लीकेशंस में कौन कौन सी मोटर्स काम में आती है, जैसे लेथ मशीन को चलाने के लिए क्या काम आता है, लिफ्ट में कौन सी मोटर काम आती है, पेपर मिल में कौन सी काम आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन सी मोटर से हम काम में लेते हैं, ये सब इसमें हम इंडस्ट्रियल ड्राइव में कवर करेंगे. सबसे पहली बात कि इंडस्ट्रियल ड्राइव होती क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है. सिस्टम एम्प्लॉयड फॉर मोशन कंट्रोल आर कॉल्ड एज ड्राइव्स. जहाँ पर भी अपने को स्पीड को या मोशन को कंट्रोल करना होता है वहाँ ड्राइव्स काम में ली जाती है. इट में एम्प्लॉय एनी ऑफ द प्राइम मूवर्स, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, टर्बाइन एंड इलेक्ट्रिक मोटर फॉर सप्लाई मैकेनिकल एनर्जी फॉर मोशन कंट्रोल. पहले ड्राइव को चलाने के लिए हमको इनको प्राइम मूवर की तरह काम में लिया जाएगा, फिर उसको मोशन जो मोशन मिलेगी उसको कंट्रोल किया जाता है. ड्राइव्स एम्प्लॉइंग इलेक्ट्रिक मोटर आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स. जो मोटर्स जो हम इलेक्ट्रिकल मोटर्स काम में लेती हैं ली जाती हैं ड्राइव्स को चलाने के लिए वो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स कहलाती हैं. अ ड्राइव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम कंबाइंड टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ मोशन कंट्रोल. जो ड्राइव के साथ में डिफरेंट और भी मैकेनिज्म होते हैं जो इनको कंट्रोल स्पीड कंट्रोल करने के लिए काम में ले जाते हैं, उसको हम मोशन कंट्रोल करने के ड्राइव के साथ में काम में लेते हैं. अब है डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ड्राइव्स. द सिस्टम विच इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन सच टाइप सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ड्राइव. जो एक इलेक्ट्रिकल मशीन से जो मोशन आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट मोशन को कंट्रोल करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स का काम में लेते हैं. इन अदर वर्ड्स द ड्राइव विच यूजेस द इलेक्ट्रिकल मोटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ड्राइव. द इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स यूज मे एनी ऑफ प्राइम मूवर्स लाइक डीजल और पेट्रोल इंजन, गैस और स्टीम टर्बाइन, स्टीम इंजन और हाइड्रोलिक मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिकल पहले ड्राइव को चलाने के लिए हम इनमें से किसी भी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का काम में लेंगे. फिर ये प्राइम मूवर सप्लाईज द मैकेनिकल एनर्जी ड्राइव फॉर द मोशन कंट्रोल. फिर ये प्राइम मूवर हम सप्लाईज मैकेनिकल ड्राइव मोशन को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है मकैन. अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव. जनरली इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स आर क्लासिफाइड इन ग्रुप ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव एंड मल्टी मोटर ड्राइव. और सप्लाई के आधार पर भी इनको दो उसमें डिवाइड करा गया है पार्ट में, एसी ड्राइव्स एंड डीसी ड्राइव्स. अब पहली बात है ग्रुप ड्राइव के बारे में डिस्कस करते हैं. इन ग्रुप ड्राइव द वन मोटर इज यूज्ड एज अ ड्राइव फॉर टू और मोर मशीन्स. द मोटर इज कनेक्टेड टू अ लॉन्ग शाफ्ट. ऑल अदर मशीन्स आर कनेक्टेड टू दिस शाफ्ट थ्रू बेल्ट एंड पुली. अब जो ग्रुप ड्राइव में एक ही ड्राइव से हम कई ड्राइव्स को काम में या मशीन्स को काम में ले सकते हैं. इस ड्राइव के साथ में एक शाफ्ट जुड़ी होती है, उस शाफ्ट पर डिफरेंट क्या बोलते हैं मशीन्स ऐड होंगी और वो मशीन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगी. एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप ड्राइव. ग्रुप ड्राइव इज अ मोस्ट इकोनॉमिकल बिकॉज द रेटिंग ऑफ मोटर यूज्ड मे बी कंपैरेटिवली लेस देन द एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल मोटर्स रिक्वायर्ड फॉर द ड्राइव ईच इक्विपमेंट बिकॉज ऑल देम मे नॉट बी वर्किंग साइमल्टेनियसली. अब क्या है कि हम ऐसे अलग अलग ड्राइव के लिए अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग इक्विपमेंट के लिए अलग अलग ड्राइव काम में लेते तो उनके लिए खर्चा ज़्यादा आता, उनके लिए पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा आता. पर इसमें क्या है कि एक ही ड्राइव के ऊपर एक ही मशीन से सारी की सारी शाफ्ट से सब मशीनें इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं
जब भी जरूरत पड़ती है उसको ही हम काम में ले सकते हैं। तो उसके जो इंडिविजुअल उसकी जो टोटल जो पावर है वो कम हो जाती है जो अलग अलग हम काम में लेते हैं। ग्रुप ड्राइव रिड्यूसेस द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ग्रुप ड्राइव से इसका जो इंस्टॉलिंग कॉस्ट है वो इनिशियल कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि एक ही ड्राइव के ऊपर ही सारा मशीनें लगी हुई हैं, तो अलग अलग ड्राइव की बहुत कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, पर जब एक ही ड्राइव पर हम डिफरेंट मशीन्स को लगाएंगे तो ये क्या होगा, इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट इज लेस बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इन वन मोर मोटर विच इज लेसर इन द एचपी रेटिंग। डिसएडवांटेज, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंस्टॉल एनी मशीन एज पर आर विश। अब क्या है कि इसमें कुछ डिसएडवांटेज होंगे, क्योंकि डिसएडवांटेजेस कि एक एक बार में एक मशीन को चलाना बहुत मुश्किल होगा, और द पॉसिबिलिटी ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल मशीन्स एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री इज लिमिटेड। इन केस ऑफ एनी फॉल्ट ऑफ मेन ड्राइविंग मोटर ऑल द अदर मोटर विल बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, ऑल सिस्टम विल रिमेन आइडल एंड इज नॉट एडवाइजेबल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज फॉर एनी इंडस्ट्री। अब क्या है कि एक ही शाफ्ट से एक ही ड्राइव से कई मशीनें कनेक्टेड है, अगर अपनी मेन ड्राइव ही खराब हो गई तो क्या होगा कि पूरा की पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा रुक जाएगा और कोई वर्क नहीं होगा। तो जो ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम का रुकना बहुत लॉस लाभदायक नहीं होता है। लेवल ऑफ नॉइस प्रोड्यूसर्स एट दैट साइट इज हाई, इसमें नॉइस लेवल भी हाई होगा क्योंकि एक साथ कई मशीनें वर्क करेंगी। बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेसिंग अदर मोटर्स दिस काइंड ऑफ ड्राइव विल रिजल्ट इन अनटाइडी अपीयरेंस एंड इट इज ऑल्सो लेस सेफ टू ऑपरेट। इसमें एक तो एक ही जगह सारी मशीनें लगी होंगी तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो ये उसके लिए भी सेफ्टी पर्पज से भी ये नुकसानदायक होंगी। सिंस ऑल द मोटर्स हैज टू बी कनेक्टेड थ्रू बेल्ट एंड पुली, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन ट्रांसमिटिंग द मैकेनिज्म। अब जो जितनी भी शाफ्ट से जो मशीनें जुड़ी हुई हैं, वर्किंग मशीन जुड़ी हुई हैं, वो बेल्ट और पुली से जुड़ी हुई हैं, उसको उसमें एनर्जी का ट्रांसमिट करने के लिए काफी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। देयरफॉर पावर लॉसेस हाई, इसमें पावर लॉस हाई होता है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल ड्राइव की। इंडिविजुअल ड्राइव में क्या होता है, एक ड्राइव से एक मशीन सेपरेट मशीन को ही चलाया जाता है। इन इंडिविजुअल ड्राइव देयर विल बी अ सेपरेट ड्राइविंग मोटर फॉर ईच प्रोसेस ऑफ इक्विपमेंट। वन मोटर इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग मोशन टू वेरियस पार्ट ऑफ मैकेनिज्म बिलोंगिंग टू द सिंगल इक्विपमेंट। एक इक्विपमेंट को चलाने के लिए एक ड्राइव का ही काम में लेते हैं। लेथ, वन मोटर यूज्ड इन द लेथ व्हिच रोटेट्स द स्पिंडल मूव्स फीड विद द help of gears and impart motion to the lubricants and cooling pumps. एक जैसे लेथ मशीन है, लेथ मशीन के डिफरेंट पार्ट को चलाने के लिए एक मशीन एक इंडिविजुअल ड्राइव का काम में लिया जाता है। एडवांटेज, मशीन कैन बी लोकेटेड एट कन्वीनियंट प्लेसेस। जहाँ इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज है, जो भी इक्विपमेंट है उसके साथ में ड्राइव को कहीं भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। कंटिन्यूटी इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस इंडस्ट्रीज एंश्योर टू अ हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। इसमें यह है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू वे में चलता रहता है। अगर मोटर खराब भी हो, एक मशीन की मोटर खराब हुई है तो आगे का प्रोसेस नहीं रुकता। वो जैसे ग्रुप ड्राइव में हुआ कि हमारा मेन ड्राइव रुक गया तो उसका जो प्रोसेस है प्रोडक्शन है वो रुक जाता था, पर इसमें नहीं रुकेगा। एक ड्राइव खराब हुई है तो एक इक्विपमेंट का काम रुकेगा, बाकी अदर काम अदर वर्क इंडस्ट्री में आसानी से चलते रहेंगे। इफ देयर इज अ फॉल्ट इन वन मोटर द इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन और आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री विल नॉट बी एप्रिशिएबल। और इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, क्योंकि एक मशीन के लिए एक ड्राइव लगाएंगे तो इसका जो टोटल इनिशियल कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा आएगी। अब है मल्टी मोटर ड्राइव। इन अ मल्टी मोटर ड्राइव Each operation of the mechanism is taken care of by a separate drive motor. The system contains several individual drives, such each of which is used to operate its own mechanism. Separate motors provided for actuating different part of the driven mechanism. जैसे एक मशीन है, उस मशीन के डिफरेंट पार्ट को चलाने के लिए हमें अलग अलग मोटर काम में ली जाती हैं, वो मल्टी मोटर ड्राइव कहलाती हैं। दिस टाइप ऑफ ड्राइव फाइंड्स एप्लीकेशन इन कॉम्प्लिकेटेड मशीन टूल्स, ट्रैवलिंग क्रेन्स, रोलिंग मिल्स एक्सेट्रा। ऑटोमेटिक कंट्रोल मेथड कैन बी एम्प्लॉयड एंड ईच ऑपरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। एडवांटेज,
Each machine is driven by the separate motor. It can be run and stop as desired. अब इसमें हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग मशीन है. जो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, जब चाहिए कब रोकना है, कब शुरू करना है, हम आसानी से इसमें रोक सकते हैं या शुरू कर सकते हैं. मशीन नॉट रिक्वायर्ड कैन बी शट डाउन एंड ऑल्सो रिप्लेस विद द मिनिमम ऑफ डिसलोकेशन. अब इसमें क्या है, मशीन को मशीन नॉट रिक्वायर्ड कैन बी शट डाउन. अगर कभी जरूरत पड़े तो मशीन को शट डाउन करने की जरूरत नहीं है और हम मिनिमम डिसलोकेशन पे किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं. देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट मशीन्स. इसमें एक जैसे एक मशीन किसी ऑपरेशन के लिए जो लगाई गई है, कटिंग के लिए लगाई गई, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम दूसरी मशीन उस पर आसानी से फ्लेक्सिबल लगा सकते हैं उसको रिप्लेस करके. इन द केस ऑफ मोटर फॉल्ट ओनली इट्स कनेक्टेड मशीन विल बी स्टॉप्ड वेयर एज अदर विल बी कंटिन्यू वर्किंग अनडिस्टर्ब्ड. Absence of belt and line shaft greatly reduce the risk of accident to the operating personnel. अब जैसे इसमें ना तो शाफ्ट है, ना पुली, कोई बेल्ट वगैरह नहीं है, तो उससे जो वहां पे ऑपरेटर जो काम कर रहा है उसका सेफ्टी, उसकी सेफ्टी बनी रहेगी. पर ग्रुप ड्राइव में और इंडिविजुअल ड्राइव में हम देखते हैं कि इसमें एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट और लाइन शाफ्ट लगे होते हैं, तो इससे एक अनटाइडी सा एटमोसफेयर बन जाता है जो कि ऑपरेटर के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है. डिसएडवांटेजेस, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है. अब बात करते हैं हम जो ड्राइव्स सप्लाई के आधार पर डिवाइड की गई हैं, एसी ड्राइव्स और डीसी ड्राइव्स. एसी ड्राइव के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे. तो एसी सिस्टम इज प्रीफर्ड बिकॉज द जनरेशन ऑफ एसी पावर इज मोर नेचुरल एंड एफिशिएंट देन द जनरेशन ऑफ डीसी पावर. हम एसी ड्राइव्स को ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि एसी ड्राइव्स में जो जनरेशन, पावर जनरेशन है वो बहुत आसान होता है. एसी पावर कैन बी एफिशिएंटली ट्रांसमिटेड, लो लाइन लॉसेस, द वोल्टेज एट द कंज्यूमर प्रीमिसेस कैन बी मेंटेन्ड विद द प्रिस्क्राइब्ड लेवल, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिकली स्ट्रैपिंग अप एंड स्ट्रैपिंग डाउन द वोल्टेज थ्रू द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर. पहली बात, जनरेशन आसान होता है. दूसरा, इसको ट्रांसमिट आसानी से कर सकते हैं, इसके वोल्टेज को आसानी से बढ़ा या एसी पावर को हम आसानी से वोल्टेज को आसानी से बढ़ा या घटा भी सकते हैं. और दूसरा, क्योंकि जब कंज्यूमर होता है उसके पास भी एसी सप्लाई है तो वो उसके हिसाब से इसको मेंटेन भी कर सकता है. इन कॉन्स्टेंट स्पीड एप्लीकेशन सिंक्रोनस मोटर माइट बी बेटर चॉइस. अगर हमें कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए होती है तो हमें सिंक्रोनस मोटर चाहिए होती है. सिंक्रोनस मोटर क्या है कि हमारी एसी ड्राइव पर काम करती है. इफ द प्राइमरी of selecting an electric motor is cost a particular application, then the induction motor is a high choice. Square cage induction motor is a cheapest one. जो स्क्वायर केज मोटर ज्यादातर इंडस्ट्री में काम आती है, 90% मोटर स्क्वायर केज मोटर होती है क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत लो होता है, तो वो भी एसी पर ड्राइव होती है, तो इसलिए हम एसी सप्लाई, एसी ड्राइव्स को ज्यादा यूज करते हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो बी डिटरमाइन द टाइप ऑफ मोटर टू बी यूज फॉर द एप्लीकेशन. इसके जो एनवायरमेंट है वो भी डिपेंड करता है कि हमें एसी ड्राइव काम में लेनी चाहिए या डीसी ड्राइव काम में लेनी चाहिए. इन दीज केसेस स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और अदर ब्रशलेस मशीन्स आर प्रोबेबली द बेटर ऑप्शन. ज्यादातर हम जो काम में लेते हैं वो ब्रशलेस मोटर्स को काम में लिया जाता है क्योंकि इनका मेंटेनेंस क्या होता है, बहुत कम होता है. अब डीसी ड्राइव्स, द बेसिक क्राइटेरियन इन द सिलेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर फॉर एन इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम इज दैट इट शुड बी मीट द पावर लेवल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड बाय द लोड ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट एंड डायनेमिक ऑपरेशन. जो हमारा जो उसका पावर का जो लेवल है वो हमारा रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए. उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, डीसी ड्राइव्स को काम में लिया जाता है क्योंकि इसमें पावर लेवल कांस्टेंट होता है. डीसी ड्राइव कांस्टेंट पावर सप्लाई करती है तो एक लेवल पर मेंटेन रहती है. फॉर एग्जांपल, इन द एप्लीकेशन ऑफ विच इज हाई स्टैटिक टॉर्क इज नीडेड, आर डीसी सीरीज मोटर माइट बी बेटर चॉइस देन द इंडक्शन मोटर. अब जहां पर हमारी हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहां पर डीसी सीरीज मोटर को यूज किया जाता है इंडक्शन मोटर की जगह, क्योंकि इंडक्शन मोटर एसी है जबकि डीसी मोटर डीसी पर ड्राइव करती है. अब हम बात करते हैं इनका कंपैरिजन एसी वर्सेस डीसी कंपैरिजन. डीसी ड्राइव्स में द पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट आर सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव.
और द पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट आर कॉम्प्लेक्स. डीसी ड्राइव का जो सर्किट पावर सर्किट होता है बहुत इजी और समझने लायक होता है और सस्ता भी पड़ता है और इसका कॉम्प्लेक्स होता है और महंगा भी होता है. इट रिक्वायर्स फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस क्योंकि इसमें ब्रशेस लगे हुए होते हैं, इसका मेंटेनेंस हमें फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा, पीरियडिकली करना पड़ता है, जबकि लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड इसमें मेंटेनेंस की एसी मोटर्स में कम जरूरत पड़ती है क्योंकि ये ब्रशलेस मोटर्स होती हैं. द कम्यूटेशन मेक्स द मोटर बल्की कॉस्टली एंड हैवी. इसमें क्योंकि कम्यूटेशन प्रोसेस होता है, कम्यूटेटर लगा हुआ होता है, इससे मोटर भारी होती है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है. दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट देयर, मोटर आर इनएक्सपेंसिव पर्टिकुलर द स्क्वायर केज मोटर. अब इसमें जो एसी ड्राइव में स्क्वायर केज मोटर को काम में लेते हैं उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं है, कम्यूटेटर जैसी कोई डिवाइस नहीं लगी हुई है, इसलिए ये मोटर क्या सस्ती पड़ती है. स्पीड एंड डिजाइन रेटिंग आर लिमिटेड ड्यू टू द कम्यूटेशन. इसका जो स्पीड है इसको हम एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि इसमें कम्यूटेशन होता है. स्पीड एंड डिजाइन रेटिंग हैव द अपर लिमिट, और जबकि एसी मोटर में हम स्पीड को कई रेंज तक कंट्रोल कर सकते हैं. इट इज यूज इन अ सर्टेन लोकेशन ओनली, इट कैन बी यूज इन द इन ऑल लोकेशन. इसमें इसकी स्पेसिफाई लोकेशन होती है कहाँ इसको काम में लेना है. डीसी सीरीज मोटर को जैसे हमने पढ़ा कि अभी कॉन्स्टेंट सप्लाई के लिए जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ यूज करेंगे, इनका कोई ऐसा नहीं है, इसको हम कहीं भी काम में ले सकते हैं. फास्ट रेस्पॉन्स एंड वाइड स्पीड रेंज आर स्मूथली अचीव बाय द कन्वेंशनल मैथड एंड सॉलिड स्टेट कंट्रोल. इन सॉलिड स्टेट कंट्रोल द स्पीड रेंज इन वाइड एंड conventional method is stepped in the limited. The line conditions are very poor. Poor power factor, harmonic distortion of the current. The regenerative drives, the line power factor poor. For non-regenerating drives, the line power factor is better. Power weight ratio is small. Power weight ratio is large. इसमें जो पावर अपॉन वेट का जो रेशियो होता है वो स्मॉल होता है और इसमें लार्ज होता है. ये एसी वर्सेस डीसी ड्राइव का एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि डिस्क्राइब द एसी, कंपैरिजन द एसी एंड डीसी ड्राइव्स के बीच में कंपैरिजन करिए. तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या क्या ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. अब आती है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव. द एडवांटेज, दीज ड्राइव्स आर ऑप्टेनेबल विद एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ स्पीड, पावर और टॉर्क. और नॉट लाइक अदर मेन मूवर्स द रिक्वायरमेंट इज रिफ्यूल अदरवाइज हीट अप द मोटर, इट इज नॉट necessary. They do not contaminate the atmosphere. Atmosphere ko saaf rakhte hain. Previously the motor like synchronous as well as induction were used within the stable speed drives. Changeable speed drives utilize the DC motor. जब हमें स्टेबल ड्राइव की जब स्पीड की जरूरत पड़ती है वहाँ AC motor, induction motor और synchronous motor को काम में लेते हैं, जबकि जहाँ speed variation चाहिए वहाँ पर हम DC motor को काम में लेते हैं. They have flexible manage characteristics due to the utilization of electric braking. At present, the AC motor is used within the variable speed drives because of semiconductor converter development. Semiconductor converters के साथ में AC motor को हम variable speed की तरह motor के लिए काम में लेते हैं. पहले DC को ले रहे थे पर अब हमारे पास में semiconductor converters available हैं, इसलिए हम DC की जगह AC motor को काम में लेते हैं. Disadvantage, this drive cannot be used where the power supply is not accessible. जहाँ power supply नहीं होगी वहाँ मोटर डीसी इलेक्ट्रिक मोटर का काम में नहीं ले सकते. द पावर ब्रेक डाउन टोटली स्टॉप द एंटायर सिस्टम. अगर हमारा सप्लाई ऑफ हो जाती है, पावर ऑफ हो जाती है, तो पूरा इंडस्ट्री का जो सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. द प्राइमरी प्राइस ऑफ द सिस्टम इज एक्सपेंसिव. इलेक्ट्रिक मोटर कॉस्टली पड़ती हैं, तो इनका जो प्राइमरी इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत महंगा पड़ता है. द डायनेमिक रेस्पॉन्स ऑफ द ड्राइव इज पुअर. द ड्राइव आउटपुट पावर विच इज ऑब्टेन्ड इज लो. By using the drive, noise pollution can be occur. अब इसमें जो drive use करते हैं उससे हमें noise pollution भी होता है. अब application of electric motor. अब कौन कौन सी motor कहाँ काम आती है, ये application है. जैसे DC series motor है जहाँ high starting torque और variable speed चाहिए होती है, वहाँ पर हम DC series motor का काम में लेते हैं. वो कहाँ कहाँ है, steel locomotive engine, steel rolling mills, hoist lift and cranes.
डीसी शंट मोटर, इट हैज मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क एंड नियरली कॉन्स्टेंट स्पीड। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाएगा? वैक्यूम क्लीनर, वुड वर्किंग मशीन, लॉन्ड्री, वॉशिंग मशीन, एलिवेटर, कन्वेयर्स, ग्राइंडर एंड स्मॉल प्रिंटिंग ब्रशेस। क्यूम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, क्यूम्युलेटिव कंपाउंड मोटर इज अ वेरी वेरिंग स्पीड मोटर विद हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसके लिए हम काम में लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में, रोटरी प्रोसेस में, सर्क्यूलर सॉज में और शेयरिंग मशीन में, एलिवेटर में और कंटिन्यूस कन्वेयर्स में काम में लिया जाता है। अब है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, बिकॉज इट्स स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट अंडर वेरिंग लोड। इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, सिंक्रोनस स्पीड से चलती है, NS is equal to 120 F upon P। इसकी स्पीड कांस्टेंट होने के कारण इसको कहाँ काम में लिया जाता है? एयर कंप्रेशन में, मोटर जनरेटर में, कंटिन्यूस रोलिंग मिल में, पेपर मिल में एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज में। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, इसका कंस्ट्रक्शन रग्ड होता है, लो मेंटेनेंस मोटर है। ज्यादातर मशीनें जो इंडस्ट्री में मोटर काम में आ रही है वो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है। दिस मोटर इज क्वाइट सिंपल बट रग्ड एंड पॉसेस हाई ओवरलोड कैपेसिटी। इट हैज अ नियरली कांस्टेंट स्पीड एंड पुअर स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसका उपयोग क्या किया जा रहा है? जहां पर कि हमें वाटर पंप, ट्यूब वेल्स, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, पॉलिशर्स, वुड प्लेनर, फैंस, ब्लोअर, लॉन्ड्री, वॉशिंग मशीन एंड कंप्रेसर एक्सेट्रा। डबल स्क्वायर केज मोटर, इट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, लार्ज ओवरलोड कैपेसिटी एंड नियरली कॉन्स्टेंट स्पीड। तो इसका उपयोग हम कर रहे हैं कंप्रेशर पंप्स में, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में, लार्ज रेफ्रिजरेटर्स में, क्रशर्स में, बोरिंग मिल्स में, टेक्सटाइल मशीनरी में, क्रेन्स में, पंचेस में एंड लेथ मशीन में। अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लार्ज ओवरलोड कैपेसिटी। हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्योंकि स्लिप रिंग मोटर में जो होता है स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द आर, इसमें रोटर रेजिस्टेंस, जो वो रोटर में रेजिस्टेंस को ऐड करके हम इसका स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क और स्पीड कंट्रोल जहां चाहिए होता है वो पंप, वाइंडिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, लाइन, शाफ्ट, एलिवेटर एंड कंप्रेशर्स इसमें काम में लेते हैं। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट स्पीड, ये टेलीप्रिंटर, क्लॉक्स में, इनमें काम में ली जाती है, साउंड रिकॉर्डर्स में और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का काम में लिया जाता है। सिंगल फेज सीरीज मोटर, इट पॉजेस हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड इट्स स्पीड कैन बी कंट्रोल ओवर अ वाइड रेंज। तो इसका उपयोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए, अप्लायंसेस के लिए काम में लेते हैं। अब आता है रिपल्शन मोटर, इट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड कैपेबल ऑफ वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल मोड। इट इज यूज्ड फॉर लार्ज स्टार्टिंग टॉर्क होने की वजह से एडजस्टेबल बट कॉन्स्टेंट स्पीड इज कॉइल वाइंडिंग मशीन्स में काम में लेते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इट हैज फेयरली कॉन्स्टेंट स्पीड एंड मॉडरेटली हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर जनरली यूज फॉर द कंप्रेशर, रेफ्रिजरेटर एंड स्मॉल पोर्टेबल होस्ट्स में। कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, इट इज ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू द अबव मोटर एक्सेप्ट दैट हैज बेटर पावर फैक्टर एंड हायर एफिशिएंसी। हेंस कैपेसिटर रन, a capacitor start and run motor is commonly used driving requiring quiet operation। ये हमारे घरों में भी, ज्यादातर फैंस वगैरह में भी कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर काम में ली जाती है।